नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज। गुना के पास आरोन में हुई बस दुर्घटना के बाद मध्य प्रदेश के सीएम ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की बात कही है। साथ ही बस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस घटना में जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रबंध करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। प्रशासन इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोके इसके लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। सड़कों पर इस तरह के जो भी डेंजर जोन हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा। घटना बड़ी दुखद है, मेरी जानकारी में आई थी। रात को मैंने कलेक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूँ और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहा है कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जा भी इसके संबंध में क्या कर सकते हैं, और जो जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में न हो इसके प्रबंध भी। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।